हेलो गाइस, दिस इज़ मुकुल एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल मुकुल। सो आज की इस वीडियो में मैं गेम प्ले करूँगा फोर्ज़ा होराइज़न 5 का। तो इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये थंबनेल मैंने विचर का लगा के रखा है, लेकिन गेम प्ले तो हम फोर्ज़ा होराइज़न 5 का करेंगे। तो विचर का थंबनेल इसलिए लगाया गया है क्योंकि विचर भी डाउनलोड किया जा रहा है, जो नेक्स्ट जिन वाला विचर का अपडेट आया था। तो उस पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसका भी गेम प्ले लाओ, तो उसका भी गेम प्ले मैं लाऊँगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मिड सेम चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं गेम प्ले नहीं ला पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अभी तक तो मैंने गेम प्ले ला के रख दिए होते आपके लिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए फोर्ज़ा होराइज़न 5 का गेम प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको फिर से एक नई बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो उसकी एक लंबी कहानी वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो चलिए, जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, जो न्यू व्यूअर हैं उनको बता दूँ, लैपटॉप है मेरा लेनोवो लीजन 5। इसकी स्पेक्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम हाइब्रिड मोड, यानी कि यहाँ पर जो का आपका क्या कहते हैं मग स्विच होता है, उसको और ऑन करके, मतलब हाइब्रिड मोड को ऑफ करके प्ले कर रहे हैं। जिनको ज़्यादा समझ में आए उनको मैं बस शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने GPU 1 को डिसेबल कर दिया है। जो हमारा मेन GPU है वो यहाँ पर, जो हमारा मेन GPU है वो डिसेबल्ड है, और सॉरी मेन GPU है उसी पर हम प्ले कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे दिखता है, यहाँ पर। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर देखिए इंटरनल डिस्प्ले कनेक्टेड टू NVIDIA GTX 1650। सो हमारी जो डिस्प्ले है वो GTX 1650 से कनेक्टेड है। और क्या कहते हैं हाइब्रिड मोड, यानी कि मग स्विच ऑन का मतलब यही होता है। तो चलिए अब जल्दी से गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर उनको सब्सक्राइब कर लेना। तो गेम मैंने बिल्कुल ओरिजिनल डाउनलोड किया है जो एक्सबॉक्स गेम पास में है, फोर्ज़ा होराइज़न 5 वही गेम है। नहीं आप समझें कि ये वो वाला गेम नहीं है जो कि आप समझ गए होंगे, ओरिजिनल गेम है, उसी का हम गेम प्ले कर रहे हैं। 123 GB इसका साइज़ था, क्योंकि एक्सबॉक्स गेम पास का सब्सक्रिप्शन मेरा 2 जनवरी को यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है। तो मैंने सोचा चलिए इसको पहले गेम प्ले कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर 2 जनवरी से मिड सेम भी स्टार्ट है। बट आप लोगों के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। सो यहाँ पर मैं गेम प्ले करूँगा अपने गेम पैड के साथ, जो कि है MIGT। और आपको ये भी पता होगा कि ये अब अवेलेबल नहीं है। सो इसका जो अल्टरनेट वर्जन है उसे आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। उस गेम पैड का मैंने रिव्यू किया है, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, वो गेम पैड भी एक अच्छा गेम पैड है। अगर ये अवेलेबल होता तो मैं इसी को सजेस्ट करता, बट इसका अल्टरनेट वो भी एक अच्छा गेम पैड है। तो चलिए गेम स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं CPU GPU FPS और 8GB रैम। रैम मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं की है, रैम मैं अपग्रेड कर लूँगा तो उसके बाद भी आपको कुछ गेम प्ले दिखा दूँगा। सो अगेन कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो उनको सब्सक्राइब कर लेना। सो यहाँ पर मैं इसको परफॉर्मेंस मोड पे कर देता हूँ। वैसे तो ऑटो चला जाता था बट पता नहीं आज क्यों नहीं गया। तो परफॉर्मेंस मोड पे जाने का मतलब यहाँ पर रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो चलिए गेम यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो गेम स्टार्ट होने के बाद मिलते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है। मैंने साउंड को थोड़ा कम कर दिया है जिससे कि आपको मेरी साउंड क्लियरली सुनाई दे। मैं यहाँ पर जब आप गेम एंजॉय करेंगे तब मैं साउंड को यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं अभी तो FPS 120 के करीब आ रहे हैं, बट हम गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना FPS मिलता है, क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा हैवी है और लैपटॉप भी वैसे हमारा हैवी है, बट देखते हैं कि कितना FPS मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स हमें मीडियम पर, मीडियम और हाई, थोड़ा थोड़ा हाई कह लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए मीडियम का ही फुल मिक्सचर है। लो एक आध सेटिंग लो है और एक आध हाई भी है। तो हम पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करते हैं, फिर उसके बाद मीडियम, हाई, अल्ट्रा, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो पहले मीडियम पे करते हैं और मीडियम के बाद करेंगे हाई पर, और अल्ट्रा पर भी ट्राई कर लेंगे अगर हो जाएगा तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मीडियम पर, और मीडियम पर देखते हैं हमें कितना FPS मिलता है, गेम लैग करता है या नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए वीडियो में हम रेजोल्यूशन फुल HD है, और यहाँ पर फ्रेम रेट अनलॉक वेरिएबल है, और वर्टिकल सिंक यानी वीसिंक ऑफ है, और फुल स्क्रीन ऑन है। सो FPS इसको ऑन ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है हमारा AMD फिडेलिटी FX। तो ये एक न्यू ऑप्शन दिखा है मुझे, अभी तक मैंने किसी गेम में नहीं देखा था, बट आप लोगों ने तो देखा होगा। तो इसको ऑफ ही रहने देते हैं। और ये है AMD FSR 2.2, तो ये तो मैंने देखा है, तो इसको ऑन करके देख लेते हैं। इसको करते हैं परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कितना FPS मिलता है।
सो चलिए पहले इसके बिना देखते हैं, ऑफ में ही देखते हैं, और इन सबको मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, बाकी का आपने देख ही लिया। तो चलिए अब गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये गेम स्टार्ट हो रहा है। गेम बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड है, हाई ग्राफिक्स वाला है, तो देखते हैं कितना परफॉर्मेंस दे पाता है हमारे लैपटॉप में। इसकी स्पेक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये है मेरा लेनोवो लीजन 5। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर माय कार्स, और इसमें कुछ नहीं है वैसे। यहाँ पर एक न्यू गेम का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आपके लिए एक न्यू गेम कर देता। सो चलिए यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितना FPS वगैरह मिलता है। मैं यहाँ पर एक रैंडम ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये है हमारी कार, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं मीडियम ग्राफिक्स पर कैसी क्वालिटी आ रही है, क्योंकि गेम ऑलरेडी हाई ग्राफिक्स वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर रेस स्टार्ट हो रही है, तो अब आप गेम का एंजॉय करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है अभी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए साउंड बढ़ा देता हूँ। पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वैसे तो आप खुद ही जज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपके लिए साउंड बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ठंड पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर ग्लव्स पहन के ही गेम प्ले कर रहा हूँ। तो आप जज मत करना, यहाँ पर मैं रैंडम ड्राइव कर रहा हूँ आपके लिए। ओनली मुझे यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चेक करानी है कि गेम कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पर मुझे कोई रेस विन नहीं करना है ना लूज़ करना है। तो मीडियम सेटिंग्स पर एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए 80+ FPS आराम से मिल पा रहा है हमें, और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी देखिए 60+ है, बट थैंक्स टू लेनोवो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है लेनोवो लीजन 5 का। सो यहाँ पर लीजन 5 का जो कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। नहीं, यहीं पर अगर HP पवेलियन या और कोई लैपटॉप होता तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चले जाते, और FPS तो वैसे लाजवाब मिल रहे हैं, 80+ FPS मिल पा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर AMD FSR वगैरह ऑन करने ज़रूरत है। तो मीडियम पर नहीं, हम मीडियम पर ज़्यादा बड़ा गेम प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं हाई पर। हाई पर देखते हैं कि हाई पर कितनी ग्राफिक्स मिलती है, कितना लैग वगैरह करता है कि नहीं करता है। तो मीडियम पर तो बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है गेम।
अरे यार फिर से गिर गया। तो यहाँ पर आई थिंक सेटिंग्स को चेंज कर लेना चाहिए। देखते हैं हाई सेटिंग्स पे हमें क्या FPS मिलता है, क्या परफॉर्मेंस मिलती है। प्रीसेट्स में मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है और हाई के साथ आप देख सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पर सेव रिस्टार्ट नाउ ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिस्टार्ट लेटर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर गेम रिस्टार्ट हो चुका है मतलब। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में जाते हैं और ग्राफिक्स में देखते हैं, तो देखिए एज यू कैन सी यहाँ पर यहाँ पर हाइपर हो चुका है गेम, मतलब सेटिंग्स हाइपर कर दी हमने। नाउ अभी गेम प्ले करते हैं इस पर हाई सेटिंग्स पे, देखते हैं कितना FPS मिलता है, क्योंकि मीडियम सेटिंग्स पर तो हमें आराम से 80+ FPS मिल पा रहा था। तो अभी इसको स्टार्ट होने देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होने में फिर से टाइम लेगा। तो जब तक कि स्टार्ट होता है तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है, हमने हाई सेटिंग्स पे कर लिया है। नाउ अभी ड्राइव करते हैं फिर से और देखते हैं अब इस बार हमें कितना FPS मिलता है, क्योंकि अब हम हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले कर रहे हैं। तो तब तो 80+ मिल रहा था आराम से, अभी देखते हैं कितना FPS मिलता है, क्योंकि हाई सेटिंग्स पे FPS डाउन होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस तो आना चाहिए। सो एज यू कैन सी डिफरेंस दिख रहा है अभी से, अभी 10 FPS का सीधा सीधा डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पर देखिए 10 FPS का सीधा सीधा डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि तब हमें 80+ FPS मिल रहा था, अब 70+ ही मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लो सिस्टम मेमोरी रनिंग लो ऑन सिस्टम मेमोरी प्लीज़ क्लोज नॉन वाइटल एप्लीकेशन और लोअर द वीडियो क्वालिटी। देखिए हाई पर ये मना कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको इनफ मेमोरी नहीं मिल पा रही है। कंटिन्यूइंग टू रन विद लो मेमोरी में कॉज इनस्टेबिलिटी परफॉर्मेंस। ओके नो प्रॉब्लम, हम तो इसमें भी करने को राजी हैं, बट हमें स्मूथ गेम प्ले मिलना चाहिए जो कि हमें मिल रहा है अभी। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर हम हाई के अलावा और ज़्यादा सेटिंग्स पर जा सकते हैं। तो मैं वैसे ही वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो अभी मैं हाई पर ही गेम प्ले दिखाता हूँ आपको। मीडियम पर मैंने आपको दिखा दिया और हाई पर और दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड कर देंगे।
सो आई थिंक इट्स इनफ। मैंने यहाँ पर आपको हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले दिखा दिया, मीडियम सेटिंग्स पे गेम प्ले दिखा दिया, और इससे ज़्यादा ही क्या ही करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई सेटिंग्स पे भी आप देख सकते हैं रैम का कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर फिर भी देखिए 70 प्लस जाने की कोशिश तो कर रहा है, जबकि ठंड का मौसम है यहाँ पर, विंटर चल रहे हैं तो भी। तो इस गेम का मुझे नहीं लगता ज़्यादा गेम प्ले दिखाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा गेम प्ले करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको परफॉर्मेंस बताई दिया है, आपको दिखा दिया, यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करा दिया अपने लेनोवो लीजन 5 में, और स्पेक्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। तो कोई और गेम देखेंगे जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस चेक करेंगे इसकी। ये भी वैसे बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स वाला गेम था, जिसको हाई सेटिंग्स पे और मीडियम सेटिंग्स पे दोनों पे अच्छे से रन कर पा रहा है ये 8GB रैम में, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो अगेन कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू अगेन।